Hey, welcome back. आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नियर दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको आज एक अलग तरह का वीडियो दे रहा हूं मैं ईडीएम्स और फ्रेज दे रहा हूं चूंकि आप अगर ईडीएम्स फ्रेज स्पीकिंग में नहीं करोगे राइटिंग में नहीं करोगे आपके एग्जाम में पूछता है ईडियम्स और फ्रेज अगर इसका भी तैयारी नहीं करोगे तो खाली ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलना आपको हर तरह का नॉलेज चाहिए तो हमने आज आपको ईडियम्स और फ्रेज लिया है और इस तरह से अगर याद करोगे ना तो इडियम्स फ्रेज मुट्ठी में हो जाएगा तो इडियम्स फ्रेज को कैसे याद करें क्या याद करें आज हमने लिया है इडियम्स और फ्रेज को आपको याद करवाऊंगा एक एक करके बसरते आप चलना मेरे साथ आप चाहते हो ना कि आपको सरकारी नौकरी मिले तो इडियम्स और फ्रेज से आपके एस में लगभग दस से पंद्रह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको फिल इन फिली ब्लैंक से लेकर के सारे पार्ट तक आप एस में सी में सी में यूपीएससी में लगभग दुनिया के सारे एग्जाम में ये इडियम्स और फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस सारे एग्जाम में होते ही होते हैं हम यूपीएससी की बात करें ना तो वहां भी पांच नंबर का और एक बात और बताऊं इसके बिना स्पीकिंग भी कम ही संभव है क्योंकि स्पीकिंग भी करना हो ना अगर ये वर्ड्स अगर बोलोगे ना तो आपके स्पीकिंग में चार चांद लग जाएगा यानी आप स्पीकिंग और बेहतर कर पाओगे अगर ये इडियम्स फ्रेज याद है तो तो बेटा यहां पे पहला वर्ड है long फेस अब पुल ए लॉन्ग फेस हिंदी होता है उदास होना बट याद कैसे करें सर मुद्दा यह है ऐसे तो किताब में लिखा मिलता है हमको याद करवा दिए सर तो मैं आपको आज याद करवा दे रहा हूं बस मेरे साथ चलो हमने कहा पुल a लॉन्ग फेस उदास होना टू हैव सैड और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन तो pull पुल अ लॉन्ग फेस पुल पुल मतलब खींच दिया फेस को यानी फेस ऐसा था पकड़ के खींच दिया पुल मतलब खींचना लॉन्ग फेस फेस को खींच के लंबा कर दिया फेस को खींच दिया तो पुल अ लॉन्ग फेस अब किसी का चेहरा पकड़ के खींच देगा तो उदास नहीं हो जाएगा तो पुल अ लॉन्ग फेस आपको क्या करना है कि वर्ड के साथ खेलना है वो कैब के, के साथ खेलना है तो जब आप किसी चीज से खेलना शुरू करते हो ना तो वर्ड आपको आजीवन याद हो जाता है ये दिमाग में उल्टा पुलटा सोचो ना याद हो जाएगा पुल ए लॉन्ग फेस चेहरा को पकड़ के खींच दिया यानी फेस को लंबा कर दिया पुल खींचा लंबा फेस यानी फेस को खींच के लंबा कर दिया तो क्या हो गया वो उदास हो गया चेहरा खींच के लंबा हो गया तो उदास हो गया टू हैव सैड और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन यानी कि वो उदास हो गया अब मेरे साथ बोलो पुल अ लॉन्ग फेस उदास होना अगला वर्ड है ग्रीन हैंड अनुभवहीन व्यक्ति एंड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कि ग्रीन हैंड है हाथ हरे हैं यानी हरा का मतलब क्या हुआ दाल कच्चे हैं तो हरा हाथ है मतलब एक्सपीरियंस नहीं है एंड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन ग्रीन हैंड देख रहे हो ग्रीन हैंड यानी कि उसके हाथ हरे हैं तो हरा हाथ है पका हुआ हाथ नहीं है कच्चा हाथ है तो मतलब अनुभवहीन व्यक्ति यानी वह व्यक्ति जो एन अनएक्सपीरियंस्ड हो एक्सपीरियंस का अभाव उसके पास है तो एन अनएक्सपीरियंस पर्सन को हम कहते हैं ग्रीन हैंड अनुभवहीन व्यक्ति है यानी व्यक्ति कैसा है बच्चे अनुभव हीन व्यक्ति कच्चा व्यक्ति है ग्रीन हैंड है हाथ कैसे हैं, हरे हैं, यानी अनुभवहीन व्यक्ति है आपको याद हो रहा है कि नहीं तो हमने कहा ग्रीन हैंड अनुभवहीन व्यक्ति अनएक्सपीरियंस पर्सन यानी एक्सपीरियंस का भाव है तो ग्रीन हैंड अनुभवहीन व्यक्ति अगला शब्द है अ हॉर्स लाफ बिना मतलब का जोरदार हंसी हॉर्स लाफ बस आप देख रहे हो पुल अ लॉन्ग फेस ग्रीन हैंड अ हॉर्स लाफ हॉर्स लाफ बिना मतलब का जोरदार हंसी हॉर्स मतलब घोड़ा लाफ मतलब हंसना अब बताओ घोड़ा अगर हंसना शुरू कर दे कल्पना करो बस आंख बंद करो कल्पना करो कि घोड़ा दो टांग पे खड़ा हुआ और हंसना शुरू कर दिया तो घोड़ा हंसना शुरू कर दिया तो बोलो कैसा लगेगा भद्दा नहीं लगेगा हॉर्स लाफ ऊंची भद्दी हंसी यानी कुछ लोग नहीं हंसते बिना मतलब के हे हे करना शुरू करते हैं तो बिना मतलब का हंसना यानी भद्दी हंसी है जोरदार बेकार हंसी है तो horse लाफ बिना मतलब का जोरदार हंसी टू लाफ वेरी लाउडली टू लाफ वेरी लाउडली विदाउट हैविंग एनी सेंस यानी कोई सेंस नहीं है नहीं देखोते हो कि गांव में कुछ लोग हंसना शुरू किए बस हंसे जा रहे हैं हंसे जा रहे हैं रोक नौकरी का नाम ही ले रहा तो टू है ना? तो क्या कहा टू लाफ वेरी लाउडली विदाउट हैविंग एनी सेंस बिना मतलब के हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है तो उसको बोलेंगे ए हॉर्स लाफ है ना तो हॉर्स लाफ मतलब बिना मतलब का जोरदार हंसी तो आप इसको सेंटेंस में आसानी से बना सकते हो ठीक है तो हॉर्स लाफ बिना मतलब का जोरदार हंसी को हॉर्स लाफ बोलते हैं अगला बर्ड है ऑन द ब्लिंक ऑन द ब्लिंक का मतलब खराब होना आउट ऑफ ऑर्डर होना तो खराब होना अब मान लो टीवी चल रहा है अब टीवी नहीं हो तो झिलमिल झिलमिल छोटे छोटे किरदार शुरू होते हैं ब्लिंक

अगला शब्द है इन ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह पिटना इन ब्लैक देख रहे हो इन ब्लैक एंड ब्लू अब मान लो ये गोरा गोरा आदमी है राइट अब ये गोरे गोरे आदमी को डंडा से पीटना शुरू किया डंडा से पीटना शुरू किया अब गोरा आदमी है यहाँ कस के पीटा तो सारे एकदम चेहरे स्किन जो है ब्लू हो गया अब एक काला आदमी है इसको पीटा तो और काला हो गया इतना पीटा कि जो स्किन में जो स्पॉट आए हैं वो ब्लू और काले हो गए हैं तो बुरी तरह से पीटना इन ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह से पीटना इन ब्लैक एंड ब्लू इतना पीटा कि स्किन जो थे काले और ब्लू हो गए बुरी तरह से पीटना याद हो गया बोलो मेरे साथ पुल अ लॉन्ग फेस तुम बोलो उदास होना पुल अ लॉन्ग फेस उदास होना ग्रीन हैंड हाथ कैसे हैं हरे हैं अनुभवहीन व्यक्ति अ हॉर्सल ऑफ ऊंची जोरदार हंसी ऑन द ब्लिंक ऑन द ब्लिंक खराब होना इन ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह से पीटना इन ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह से पीटना और देखते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा हम लोग पढ़ रहे हैं इडियम सर फ्रेज। और इडियम इडियम फ्रेज में करना क्या है कि हम लोग एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि आखिर अधिक से अधिक ईडियम्स फ्रेज कैसे याद रख सकते हैं तो मैं आपको एक से एक दे रहा हूं टेक्निक इस टेक्निक को आप भी याद करें और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जिससे होगा क्या कि भारत के हर बच्चा सीखेगा कि ईडियम्स और फ्रेज कैसे याद किया जाए तो हमने कहा तो अंडर सम्बडीज नोज तो अंडर सम्बडीज नोज अंडर का मतलब क्या हुआ नीचे सम्बडी किसी व्यक्ति के सामने नोज मतलब नाक तो अंडर समबडीज नोज यानी बिल्कुल आंख नाक के नीचे यानी नाक के नीचे इसको याद करना लेकिन आंखों के सामने अंडर नोज कर लो यानी आंख के नीचे कौन है नाक है ना तो अंडर समबडीज नोज लग तो रहा है कि नाक के नीचे तो नाक है नहीं इसको याद कर लो अंडर समबडीज नोस आंखों के सामने यानी आंखों के सामने नाक है ना बिल्कुल नाक दिखाई दे रहा है तो अंडर समबडीज नोस आंखों के सामने इन फुल व्यूज ऑफ समबडी यानी इसको याद क्या करना है उल्टा पुल्टा लिंक कर लेना है तो जब आप किसी चीज को तरह-तरह के चीजों से लिंक कर लोगे उल्टा पुल्टा लिंक कर लोगे तो होगा क्या कि आपको वो याद हो जाएगा चलो मेरे साथ करो हमने कहा यहां पे अंडर somebody's nose तो nose अंदर यानी नाक कहाँ है आंखों के अंदर है कि नहीं है तो अंडर somebody's nose यानी आंखों के सामने तो याद हो गया आपको तो अंडर somebody's nose आंखों के सामने इन फुल व्यू ऑफ समबडी अगला है स्मेल अ रैट अब ध्यान दो चूहा कहीं भी मर जाए पूरी बिल्डिंग में अगर टॉप फ्लोर पे भी चूहा मरा हुआ है ना तो पूरी बिल्डिंग जो है ना महक देगा यानी यानी आपका रेट, दाल में कुछ काला होना यानी संदेह करना स्मेल अ रेट यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कुछ गड़बड़ है स्मेल अ रेट संदेह करना सस्पेक्ट है ंग इज रॉन्ग इनिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं गड़बड़ है देखो मैं तो कहता हूँ सुनो ये बात को और सुनो अगर आपको अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ना है आप चाहते हो कि एक सिस्टम से एक तरीके से अंग्रेजी सीख ले तो दिल्ली दूर नहीं है आप दिल्ली आराम से आ सकते हो अपना बैग उठाओ और दिल्ली में आ जाओ यहाँ पे रहने खाने की सब व्यवस्था मैं करवा दूंगा आपको बस आना है और लगातार तीन चार महीने रह करके आप अंग्रेजी अपना परफेक्ट कर करके आप पढ़ सकते हो बिल्कुल तरीके से दिल्ली दूर नहीं है आप घर बैठ करके भी अपने मोबाइल पर जो मैं डेढ़ घंटे पढ़ाता हूँ ना लाइव क्लास अपने मोबाइल पर अपने लैपटॉप पर ले सकते हो आप पढ़ सकते हो बस आपको चलना है एक तरीके से एक सिस्टम से ये जो हमने दिखाया वीडियो इसके माध्यम से आपको पढ़ने का तरीका मिलेगा बस न जो पढ़ने का तरीका मिलेगा इससे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो आप भी सुधार कर सकते हो और नहीं कर सकते तो दिल्ली आ जाओ धर्मेंद्र आपके लिए तैयार है ठीक है अगला क्या रहा अस्मेल अ रेट संदेह करना सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ गड़बड़ तो है सस्पेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट है अस्मेल अ रेट सस्पेक्ट है संदेह है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कहते हैं रेट सस्पेक्ट सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग हो रहा है शक हो रहा है दैट समथिंग इज रॉन्ग कहीं ना कहीं गड़बड़ है उसको हम स्मेल रेट कहते हैं तो स्मेल मतलब क्या होता है गंध रेट चूहे की गंध तो चूहे की गंध क्या है यानी पता चल जाएगा कि चूहा ही मरा है तो कहीं ना कहीं चूहा की बदबू ऐसा होगा ही होगा कि आप उसको आराम से पकड़ लोगे कि गंध किसका आ रहा है चूहे का आ रहा है अगला कह रहा है अब बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कारण इसको याद कैसे करो पता है अब बोन बोन का मतलब क्या होता है बोलो हड्डी लिंक करो कल्पना कर लो हड्डी बोन ऑफ कंटेंशन इसको कर दो ऑफ कनेक्शन बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े का कनेक्शन क्या है तो झगड़े का जड़ क्या है मान लो दो कुत्ते हैं अब दो कुत्ते लगे हुए हैं एक हड्डी है बीच में अब ए भी लड़ रहा है वो भी लड़ रहा है तो झगड़े का जड़ कौन है बोन हड्डी तो बोन ऑफ कंटेंशन इसको याद कैसे कर लो बोन ऑफ कनेक्शन बोन ऑफ कंटेंशन बोन ऑफ कनेक्शन है ना तो याद एक बार अगर देखो होता क्या है कि जब एस एस सी में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको अगर याद है ना तो बन जाएगा बहुत आसानी से राइट right? आप क्वेश्चन ऑप्शन निकालोगे अंग्रेजी में क्या दिया सस्पेक्ट अबाउट विच डीज

कारण झगड़े की वजह तो सस्पेक्ट अबाउट विच देयर इज डिसएग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट नहीं है डिसएग्रीमेंट है याद हो रहा है ना अगला देखो हमने बोला कैट्स एंड डॉग्स तो कैट्स एंड डॉग्स कुत्ते और बिल्ली कैट्स एंड डॉग्स कुत्ते और बिल्ली तो कैट्स एंड डॉग्स कैट्स में तो क्या होता है बिल्लियां डॉग्स में क्या होता है कुत्ते अब कुत्ते बिल्ली देखो थोड़ा मुड़ा बारिश हो तो कुत्ते बिल्ली आनंद लेते हैं पूछ फैला के लेकिन बारिश अगर मूसलाधार हो तो कुत्ते और बिल्ली भी अपना जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कैट्स एंड डॉग्स कैट्स एंड डॉग्स यानी ऐसा बारिश जो मूसलाधार हो यानी रेन वेरी हैवली है ना मूसलाधार बरसा हो ना रेन वेरी हैवली यानी कैट्स एंड डॉग्स बारिश ऐसा हो गया जो मूसलाधार है यानी कुत्ते बिल्ली भी अब भागना शुरू कर दिए छुपने का स्थान ढूंढने लगे उसे हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स अगर यहीं पे जोड़ देंगे कैट्स एंड डॉग्स लाइफ पता है यहाँ पे लाइफ जोड़, जोड़ दें लाइफ तो पता क्या हो जाएगा आप खुद बनाओ कि कैट्स एंड डॉग्स लाइफ कुत्ता बिल्ली को देखना पसंद नहीं करता और बिल्ली कुत्ते को देखना पसंद नहीं करता इसलिए दोनों में झगड़ा होता है तो क्या हो जाएगा कल्ला पूर्ण जिंदगी अगर लाइफ जोड़ दिया तो फ्रेज बदल गया इसका मतलब क्या हो गया कल्लापूर्ण जिंदगी यानी कि कैट्स एंड डॉग्स लाइफ तो हो जाएगा कल्लापूर्ण जिंदगी यानी ऐसा जीवन जिसमें कल्ला हो रहा है टेंशन हो रहा है परेशानी हो रही है उसे हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ पे कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बरसा होना यहां पे एक एक वर्ड को ध्यान रखना है आपको याद करने का टेक्निक दे रहा हूं आप बस इस मेथड को फॉलो करो अगर ना अंग्रेजी आ जाए तो फिर बताना मेरे को अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी कॉक एंड बुल यानी कॉक मतलब मुर्गा बुल मतलब सांड अब मुर्गे और सांड की दोस्ती हो सकती है कभी नहीं मुर्गा अलग पुरानी है सांड अलग पुरानी है तो कॉक एंड बुल स्टोरी यानी मुर्गे और सांड का स्टोरी कैसा है अतार्किक है यार बकवास है अबसर्ड है बिल्कुल इलॉजिकल है तो हिंदी होता है अतार्किक एवं बेकार तो कॉक एंड बुलस स्टोरी बिल्कुल इलॉजिकल है अतार्किक है किसी काम का नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कॉक एंड बुलस स्टोरी अतार्किक एवं बेकार अबसर्ड एंड इम्प्रोबेबल स्टोरी मतलब ऐसा स्टोरी जो अबसर्ड हो बकवास हो तो कॉक एंड बुलस स्टोरी यानी कॉक एंड बुलस स्टोरी अतार्किक है बकवास है अबसर्ड है बेकार है याद हो रहा है एक बार मेरे साथ बोलो फटाफट जल्दी से अंडर समबडीज नोज़ जल्दी से बोलो आंखों के सामने अंडर समबडीज नोज आंखों के सामने स्मेल अरेट संदेह करना स्मेल अरेट डाउट करना अ बोन ऑफ कंटेंशन अ बोन ऑफ कंट कनेक्शन झगड़े का जड़ कैट्स एंड डॉग्स मुस्ताधार बारिश कैट्स एंड डॉग्स मुस्ताधार बारिश कॉक एंड बुलेट स्टोरी बकवास

मैं क्या कहता हूं दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आकर के भी आप क्लास ले सकते हो घर बैठे भी क्लास ले सकते हो जैसे मर्जी हो हर सुविधा उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को इतना शेयर करो कि हर बच्चा सीख जाए कि वीडियो कैसे याद करते हैं इतना शेयर कर दो कि पूरे भारत में क्रांति की तरह फैलना चाहिए इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच